वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं आज आपको मिलिंग ऑपरेशन कैसे करते हैं मास्टर कैम में वो बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम है जिसमें एक हेक्सागन है जिसका रेडियस 100 mm है और एक स्क्वायर है जिसका साइड 75x75 है और ये चार सर्कल है जो कि थ्रू आउट होल है उसका रेडियस 10 mm है। तो सबसे पहले आप मास्टर कैम 2018 में जाएंगे और इसके बाद फाइल पर क्लिक करेंगे, फिर कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करेंगे, वहाँ के बाद सिर्फ फिर से करंट में क्लिक करके और मैट्रिक सेलेक्ट करके और फिर ओके करेंगे। अब वायर फ्रेम में जाएंगे, वायर फ्रेम में जाने के बाद सबसे पहले रेक्टेंगल सेलेक्ट करके और यहाँ एंकर टू सेंटर क्लिक करके और एक सेंटर से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम 75x75 mm का एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। तो ये इस प्रकार स्क्वायर ड्रॉ हो गया जो कि आप देख सकते हैं। अब हमें हर कॉर्नर पे एक फिलेट इंटिटीज है इसे सिलेक्ट करके फिलेट करना पड़ेगा और फिलेट करने के लिए ये लाइन और ये लाइन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ये और ये और ये और ये। ध्यान रहे कि यहाँ 10 mm का रेडियस होना चाहिए जो कि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ओके, अब आप फिर से रेक्टेंगल के नीचे क्लिक करेंगे और वहाँ सेलेक्ट पॉलीगॉन करेंगे। अब पॉलीगॉन को सेंटर से क्लिक करके और यहाँ रिलीज करते हैं और फिर यहाँ पॉलीगॉन का रेडियस देते हैं जो कि 100 mm है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से उसे ओके करते हैं। अब इसे जूम इन करते हैं और यहाँ पर आपको फिर से ये चार सर्किल ड्रॉ करने हैं। तो मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँगा और फिर इसे रोटेट कर दूँगा 3 बार 90 डिग्री पे, तो हमें वो चारों मिल जाएंगे। तो सर्किल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको लाइन इंड पॉइंट में जाना पड़ेगा, फिर पॉइंट पोजीशन। अब आप पॉइंट का सर्किल के ओरिजिन का आप सर्किल के सेंटर का कोऑर्डिनेट दीजिए जो कि 0.75 है। अब आप इंटर कीजिए तो इस प्रकार हमें ये पॉइंट मिल गया। यहाँ पर हम सर्किल ड्रॉ करना है तो इस सर्किल सेंटर पॉइंट पर क्लिक करके फिर यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ करेंगे और यहाँ जाके हम उसका रेडियस इनपुट करेंगे। तो फिर ये सर्किल ड्रॉ हो गया, अब हमें ओके करना है। अब इस पॉइंट का कोई आवश्यकता नहीं है तो इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें ये सर्किल यहाँ भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए। इसके लिए हमें ट्रांसफॉर्म ऑप्शन पर क्लिक करके और रोटेट करना होगा। तो किसे रोटेट करना है? सर्किल को। तो सेलेक्ट किए सर्किल को और फिर इन सेलेक्शन किया और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक कराना चाहिए। और कितना सर्कल चाहिए हमें? तो 3 चाहिए। और कितने डिग्री पे चाहिए? तो 90 डिग्री पे चाहिए। ओके, तो 90 डिग्री हमने यहाँ दिया और यहाँ पे ओके किया। अब ये सर्कल दिख रहा है आपको, सब चारों सर्कल अलग अलग कलर के हैं तो हमें एक कलर करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ क्लियर कलर्स पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये सारा एक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब हम होम पर जाएंगे और इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखेंगे राइट क्लिक करके। अब सबसे पहले इसे हमें स्क्रूड करना है तो इसके लिए हम सॉलिड्स में जाएंगे और स्क्रूड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर चेन पर क्लिक करेंगे, फिर ये चेन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मुझे स्क्रूड करना है और यहाँ 50 mm तक हमें स्क्रूड करना है। तो हमने यहाँ डिस्टेंस दिया ओके और क्रिएट बॉडी पर क्लिक होना चाहिए और फिर से ओके किया तो ये ऑब्जेक्ट 50 mm डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्क्रूड हो गया। अब हमें इस सर्किल को थ्रू आउट होल करना है तो उसके लिए भी हमें स्क्रूड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ चेन पे सिलेक्ट करेंगे और चारों सर्कल सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार। ठीक है, फिर से ओके करेंगे। अब हमें कट बॉडी पे क्लिक करना है और यहाँ जाके थ्रू ऑल करना है क्योंकि ये होल थ्रू आउट है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसका डायरेक्शन नीचे की तरह है और ये होल थ्रू आउट हो रहा है। फिर से अब हमें ओके कर देंगे तो ये होल थ्रू आउट हो जाएगा। अब हमें ये जो स्क्वायर साइज है इसे हमें पूरे में नहीं करना, एक पॉकेट है 25 mm का डेप्थ का तो हम इसके लिए भी स्क्रू पे क्लिक करेंगे, फिर चेन पे क्लिक करेंगे, फिर ये प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। अब यहाँ पे फिर से कट बॉडी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिस्टेंस देंगे जितना हमें पॉकेट करना है। तो हमें 25 mm का पॉकेट चाहिए इसलिए मैंने 25 mm का पॉकेट का डिस्टेंस दिया। अब हम जाके ओके करेंगे तो इस प्रकार हमारा ये
प्रोफाइल क्रिएट हो गया, जिसे हम सॉलिड में भी देख सकते हैं, यदि ऐसा दिखेगा तो हम इसे वायर फ्रेम व्यू में रखते हैं। अब हमें मशीनिंग ऑपरेशन सेलेक्ट करना, तो हमें ये लेथ मशीन का प्रॉब्लम, ये मिलिंग का प्रॉब्लम है, इसलिए मशीन पे क्लिक करके, मेन में पे क्लिक करके और फिर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके हम मिलिंग ऑपरेशन सेलेक्ट किया। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा और स्टॉक सेटअप करना होगा। तो स्टॉक सेटअप में सबसे पहले आपको ओरिजिन को सेलेक्ट करें, यहाँ पे गया मैं, ओरिजिन सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद ऑल सॉलिड्स पे क्लिक करें। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाई डायरेक्शन में 200 है, एक्स डायरेक्शन में 230.94 mm है, और जेड डायरेक्शन में जो कि मैंने स्क्रूट किया था 50 mm का वो है। तो इस सबको हमें थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमें ऑपरेशन में विजुअलाइज हो कि हमारा ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो मैं इसे 10 mm से बढ़ाता हूँ, 200 क्रिएट करता हूँ, और इसे डिलीट करके 240 mm करता हूँ, और ये जो स्क्रूट किया था मैंने उसको केवल 1 mm से इंक्रीज करके 51 करता हूँ, क्योंकि हम फेसिंग के दौरान ये 1 mm जो एक्स्ट्रा इंक्रीज किया है उसे रिमूव करेंगे। अब आप ओके पर क्लिक करें तो देख सकते हैं कि ये हमारा रेड ट्रायंगल आ गया, जिसमें से कट करके हमें ये एक्चुअल प्रोफाइल बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम फेसिंग ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे, और ये जो हमने 1 mm का एक्स्ट्रा मटेरियल लिया था उसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए चेन सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे आप ये सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। इसके बाद आप फेसिंग देख रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट है ऑलरेडी, तो अब इसके बाद टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ सेलेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे, और फिर ये आपका फेस मिल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये सारा सेलेक्ट हो तो नन पे क्लिक करके फिर यहाँ पे फेस मिल सेलेक्ट करेंगे, और बाकी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, और यहाँ पे ओके करेंगे। फिर इसमें से कोई एक मिडिल डायमीटर का, जैसे कि 50 mm डायमीटर का मैंने ये सेलेक्ट किया टूल, और ओके किया। अब हमें होल्डर पे क्लिक करेंगे, इसमें कुछ चेंज नहीं करेंगे, फिर कट पैरामीटर में क्लिक करेंगे, और यहाँ याद रहे कि ये 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाके ये जो स्टाइल है इसे जिगजैग में हम रखेंगे, फिर डेप्थ ऑफ कट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं 4 स्टेप्स ले रहा हूँ, रफ स्टेप और 2 फिनिश स्टेप 0.25 mm का ले रहा हूँ, ठीक है। अब फिर लिंकिंग पैरामीटर्स में जाके ये ऊपर के सारे वैल्यू को चेंज नहीं करके केवल यहाँ डेप्थ देंगे, जो कि हमें रिमूव करना है। तो हमें रिमूव करना है 1 mm, तो हम यहाँ -1 mm में रिमूव करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये टूल पाथ जनरेट हो गया फेसिंग का। अब हमें क्या करना है, अब हमको ये ड्रिल करना है, तो ड्रिल के लिए ड्रिल ऑपरेशन पर क्लिक करेंगे, और सबको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में सेंटर को सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह हमारा सेंटर सेलेक्ट हो गया, और यहाँ पे फिर ओके करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं ड्रिल सेलेक्टेड है, तो फिर से हमें टूल सेलेक्ट करना पड़ेगा ड्रिलिंग के लिए। तो यहाँ सेलेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ फिल्टर करेंगे, फिल्टर में ये ड्रिल सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ ध्यान रहे कि ये इक्वल होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये इस होल के डायमीटर के इक्वल होगी, ठीक है। तो इस होल का डायमीटर 20 है, तो मैंने यहाँ 20 दिया है, और ओके किया, ठीक है। इसमें से कोई एक लेंथ का, फ्लेक्सिबल लेंथ का टूल सेलेक्ट किया मैंने, और फिर इसे ओके किया, ठीक है। अब होल्डर पे क्लिक करेंगे, इसमें हमें कुछ बदलाव नहीं करना है, फिर यहाँ पे जाके स्टॉप पे क्लिक करके यहाँ पे ओके करेंगे, सिलेक्ट कर देंगे, और फिर नेक्स्ट कट पैरामीटर्स में जाएंगे, और इसे आप ओके करेंगे। कट पैरामीटर्स में आप कुछ नहीं करेंगे, फिर लिंकिंग पैरामीटर्स में जाएंगे, और यहाँ पे वैल्यू देंगे जितना हमें ड्रिल करना है। तो हमें 50 mm ड्रिल करना है, तो हम थोड़ा सा इंक्रीज करके दे रहे हैं, जैसे कि -55 mm, 5 mm इंक्रीज करके ड्रिल करेंगे। जो इसलिए 5 mm इंक्रीज किया क्योंकि वो ड्रिल आउट थ्रू आउट चला जाए, और वो कुछ मटेरियल ना छोड़े बीच में, ठीक है। अब इसे हम ओके करेंगे, तो देख सकते हैं कि ये प्रोफाइल क्रिएट हो गया ड्रिल का। अब इसके बाद हमें पॉकेट ऑपरेशन करना है, तो पॉकेट के लिए पॉकेट ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे चेन पे क्लिक करेंगे, और ये प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके करेंगे। ओके, और यहाँ पॉकेट सेलेक्टेड है,
फिर से हमें यहाँ टूल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट लाइब्रेरी में जाएंगे और फिर यहाँ फिल्टर पे क्लिक करेंगे और ये पॉकेट के लिए ये फर्स्ट टूल हमेशा सिलेक्ट करेंगे और बाकी कुछ भी चेंज ना करते हुए ओके करेंगे। फिर इसमें से एक टूल सिलेक्ट करेंगे और उस टूल का डायमीटर मैंने 20 लिया, क्योंकि ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हमने चैम फिलेट किया था 10 mm रेडियस का, तो ये इसका डायमीटर, टूल का जो डायमीटर है वो इस फिलेट के डायमीटर के इक्वल या लेस होना चाहिए। तो इस तरह मैंने इक्वल लिया और यहाँ पे ओके किया, ठीक है। और फिर होल्डर पे क्लिक किया, कुछ नहीं चेंज करना हमें यहाँ पे। फिर आगे कट पैरामीटर्स में क्लिक किया और यहाँ याद रहे ये 0 0 करना हमें, ये 0 0 करके फिर नेक्स्ट स्टेप में रफिंग, ये फिर से कांस्टेंट ओवरलैप स्पाइरल सेलेक्ट करके फिर एंट्री मोशन में कुछ नहीं चेंज करना है। फिर फिनिशिंग में जाके हमें कुछ नहीं चेंज करना है। फिर ये लीड आउट में भी कुछ नहीं चेंज करना है और डेप्थ ऑफ कट में जाके हमें ये क्लिक करके और यहाँ पे 4 स्टेप्स रफ कर लेना है और 2 फिनिश स्टेप 0.25 mm का ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्रेक थ्रू में चूँकि ये थ्रू आउट नहीं है तो इसलिए ब्रेक थ्रू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर लिंकिंग पैरामीटर्स में जाके यहाँ पे डेप्थ में -25 mm देंगे क्योंकि ये पॉकेट 25 mm तक ही है और फिर ओके करेंगे। तो इस तरह ये टूल पास जनरेट हो गया पॉकेटिंग ऑपरेशन के लिए। अब हमें लास्ट ऑपरेशन काउंटर ऑपरेशन करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके काउंटर ऑपरेशन सेलेक्ट करेंगे, फिर से इस चैन को सिलेक्ट करके फिर ये प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे और फिर ओके करेंगे। अब यहाँ पे जाके टूल सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, फिर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर ये टूल सेलेक्ट करेंगे और कुछ नहीं चेंज करना है और ओके कर देना है। फिर इसमें से एक सूटेबल लेंथ का और डायमीटर का एक टूल सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने ये 20 mm का सेलेक्ट किया और ओके किया। अब हमें होल्डर पे क्लिक करना है, इसमें कुछ ना चेंज करें, कट पैरामीटर्स में भी कुछ ना चेंज करें, डेप्थ ऑफ कट में जाके यहाँ पे टिक करें और यहाँ पे 4 स्टेप्स और फिर 2 स्टेप्स लिखें और ये 0.5 mm का 0.25 mm का फिनिशिंग स्टेप्स मैंने दिया। लीड आउट में भी कुछ नहीं करना है, ब्रेक थ्रू में आप जाके क्लिक करें और ब्रेक थ्रू में आप 2 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, तो मैं 5 mm का ब्रेक थ्रू दिया जो कि ये टूल आउटसाइड द ऑब्जेक्ट 5 mm तक जाएगा। मल्टी पासेज में कुछ नहीं चेंज करना है और टैब में भी कुछ नहीं करना है और लिंकिंग पैरामीटर्स फिर से यहाँ हमें डेप्थ डिसाइड करना है, तो हमें टोटल डेप्थ है 50, तो हम 5 mm इंक्रीज करके दे रहे हैं ताकि मटेरियल कुछ ना बचे। तो इस तरह मैंने मेहनत 55 mm का डेप्थ पूरा दिया और फिर ओके किया। तो आप देख सकते हैं ये ऑपरेशन काउंटर है और इसका ये टूल पाथ है। अब हमें सबसे पहले टूल पाथ ग्रुप पॉइंट पे क्लिक करके सारे ऑपरेशन को कंबाइन करना है, फिर यहाँ पे रीजनरेट ऑल सिलेक्टेड ऑपरेशन पे क्लिक करें और फिर जाके वेरीफाई सिलेक्टेड ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे। इस तरह ये हमारा विंडो ओपन हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ जाके व्यू में चेंज कर सकते हैं, सिंगल व्यू, व्यू 2 इन रोज, 2 व्यू इन कॉलम्स, 4 व्यूज, तो इस तरह हमें सारे ऑपरेशन दिखाएंगे। तो मैं सिंगल व्यू में आइसोमेट्रिक व्यू में जाके देख रहा हूँ और यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करके सारे ऑपरेशंस के लिए कलर मैंने प्रोवाइड किया। अब जाके मैं इसे फास्ट थोड़ा करूँगा क्योंकि वीडियो टाइम टेकिंग ना हो इसे, और यहाँ पे क्लिक किया और ये देख सकते हैं कि जैसे आप ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। अगर वीडियो में ऑपरेशन का कलर ना दिखाए तो स्टॉप करें और फिर यहाँ पे कलर पे क्लिक करें और फिर प्ले कीजिए। अब ये देख सकते हैं कि जैसा कि हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग कलर दिया जा रहा है और ये हमारा एक्चुअल प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ऑपरेशन होते जा रहा है।
तो ये इस तरह हमारा ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट।